अलवर जनवादी लेखक संघ जलेस की अलवर इकाई का सम्मेलन हारूमल तोलानी सभागार में पूर्व प्राचार्य डॉक्टर छंगाराम मीणा की अध्यक्षता में आयोजित किया गया। जलेस सचिव डॉक्टर भारत मीणा ने बताया कि इस अवसर पर सर्वसहमति से 15 सदस्यीय कार्यकारिणी का गठन किया गया। इस अवसर पर मुख्य व्याख्यान देते हुए डॉक्टर जीवन सिंह मानवी ने जनवादी प्रगतिशील लोकतांत्रिक मूल्यों के ऐतिहासिक विकास क्रम पर रोशनी डालते हुए कहा कि मौजूदा दौर में इन मूल्यों की रक्षा के लिए लेखकों को लेखन के अलावा सामाजिक कार्यकर्ता के तौर पर भी सक्रिय और सजग भूमिका निभानी होगी। नवनिर्वाचित अध्यक्ष डॉक्टर नीलाब पंडित ने नई कार्यकारिणी से ज्यादा सक्रिय होकर कार्य करने का आह्वान किया, जबकि डॉक्टर रमेश बैरवा ने अलवर में ज्यादा से ज्यादा सांस्कृतिक आयोजन करने पर बल दिया। सभागार अलवर में जनवादी लेखक संघ अलवर की जिला इकाई का सम्मेलन आयोजित किया गया है। इस सम्मेलन की अध्यक्षता डॉक्टर छंगाराम मीणा ने की और आज इस सम्मेलन में हमने जिला इकाई की नवीन कार्यकारिणी का गठन किया है, जिसमें सर्वसहमति से डॉक्टर नीलाब पंडित जी को अध्यक्ष चुना है और डॉक्टर छंगाराम मीणा जी, डॉक्टर नंद किशोर नीलम जी को उपाध्यक्ष, डॉक्टर भरत मीणा को सचिव और श्री घनश्याम शर्मा जी को कोषाध्यक्ष चुना है। इसके अलावा हमने 9 कार्यकारिणी सदस्य बनाए हैं, तो इस प्रकार कुल 15 सदस्यीय कार्यकारिणी का गठन किया है। 3 सदस्य हमने अभी स्थायी आमंत्रित सदस्यों के तौर पर शामिल किए हैं, जिसमें जनवादी लेखक संघ के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर जीवन सिंह मानवी जी हमारे स्थायी आमंत्रित सदस्य रहेंगे। इसके साथ साथ शिवचरण शेडवाल और इंद्र कुमार तोलानी जी को स्थायी आमंत्रित सदस्य बनाया है। बैठक में ये भी निर्णय लिया गया है कि आगामी दिनों में स्थायी आमंत्रित सदस्यों की संख्या बढ़ाई जाएगी और इस अवसर पर सर्वसम्मति से ये भी निर्णय लिया गया है कि अलवर में आगामी दिनों के अंदर लोकतांत्रिक जनवादी मूल्यों के लिए सांस्कृतिक आयोजनों की श्रृंखला आयोजित की जाएगी और विभिन्न विद्वानों के लेखकों के व्याख्यान आयोजित करवाए जाएं। तो इन सब बातों को लेकर आज जो है चिंतन मंथन किया गया। अंत में डॉक्टर छंगाराम मीणा जी ने जो है नवीन कार्यकारिणी को बधाई देते हुए ये आश्वासन व्यक्त किया, ये आशा व्यक्त की कि अलवर के अंदर जनवादी लोकतांत्रिक मूल्यों के लिए इकाई अच्छा काम करेगी। साथ ही साथ जो नवीन अध्यक्ष जो है नवनिर्वाचित अध्यक्ष हैं, उन्होंने भी सक्रियता के साथ कार्यकारिणी के साथ मिलकर काम करने का आह्वान किया और जनवादी लेखक संघ के प्रांतीय अध्यक्ष जीवन सिंह मानवी ने पूरी कार्यकारिणी को शुभकामनाएं देते हुए जनवादी प्रगतिशील मूल्यों का ऐतिहासिक विकास क्रम पर अपनी बात रखते हुए जलेस के इतिहास, संघर्ष और जनवादी लेखक संघ की भूमिका मौजूदा परिदृश्य में क्या हो सकती है, इस पर अपना एक विस्तृत व्याख्यान दिया। इस अवसर पर जनवादी लेखक संघ के अनेक सदस्य यहाँ उपस्थित हुए और सभी ने जो है मिलकर एकजुटता के साथ अलवर में एक जनवादी लेखक संघ के लेखकों का और विस्तार करने और जनवादी लोकतांत्रिक मूल्यों के लिए संघर्ष करने की एकजुटता प्रदर्शित की। जनवादी लेखक संघ के सामने जो चुनौतियां हैं वो सबसे बड़ी हैं जनवादी मूल्यों की चुनौतियां, क्योंकि जनवादी लेखक संघ का एकमात्र उद्देश्य है कि जो समाज लंबे समय से सामंतवादी और पूंजीवादी जीवन मूल्यों से ग्रसित है, विभाजनकारी मूल्यों से ग्रसित है, उसमें बहुत जरूरत है जनवादी जीवन मूल्यों को विकसित करने की। तभी हमारे देश का लोकतंत्र बचेगा, तभी हमारे देश का जो आर्थिक विकास है वो गैर बराबरी को खत्म करेगा। समाजवाद आप न कहें लेकिन गैर बराबरी को खत्म करना बहुत जरूरी है। उसके बिना लोकतंत्र नहीं बच सकता और न लोकतंत्र विकसित हो सकता है। उस लोकतांत्रिक मूल्यों को या जनवादी मूल्यों को विकसित करना और समाज में उसको एक आवश्यकता बना देना, ये जनवादी लेखक संघ की चुनौतियां हैं और इसी के लिए जनवादी लेखक संघ काम कर रहा है। बहुत आज अलवर इकाई का जनवादी लेखक संगठन की कार्यकारिणी के चुनाव हुए, उसमें नवगठित कार्यकारिणी को हम सब ने बधाई दी और आगे जो भी अलवर जलेस इकाई के द्वारा कार्यक्रम होंगे उनके ऊपर चिंतन मंथन किया गया। वर्तमान में देश की सामाजिक आर्थिक जो स्थितियां हैं तीव्र गति से बदल रही हैं, उनमें एक सामान्य जन की जो हैसियत है वो बहुत दबी हुई और कुचली हुई सी होती जा रही है।
वे लोग इस देश में अपना जो महत्व रखते हैं, उनका जो अस्तित्व है, उसको और ऊपर उठे, इसके लिए हम जलेस के माध्यम से या जनवादी लेखक संगठन के माध्यम से हम उनके लिए आवाज़ पूरे उत्साह से, पूरे जोश से उठाएंगे और उनको जो एक मानव को जो सामान्य जो जीवन जीने के लिए जो सुविधाएं जो मिलनी चाहिए, उन पर भी हम उनका उनकी बात को, उनके विचारों को बड़े सशक्त ढंग से आगे विभिन्न कार्यक्रमों के द्वारा उठाते रहेंगे।